हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 30 अगस्त 2020 दिन रविवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। यह विशेष नाव समुद्र में संकट में बचाव अभियान और मछुआरों की देखभाल के लिए है। यह 25 मीटर लंबा और 5.5 मीटर चौड़ी समुद्री एम्बुलेंस 14 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से सक्षम है। 24/7 एम्बुलेंस सेवा में 4 बचाव गार्ड और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम है जो बचाए गए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेगी और उन्हें जल्द से जल्द आश्रय स्थान पर स्थानांतरित कर देगी। यह एक बार में 10 लोगों को समायोजित कर सकता है और आपातकालीन दवाओं के साथ एक शवगृह भी है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता शुरू की। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं लेकर आ रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को चुनौती नाम की नई पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता लॉन्च की। इसका मकसद देश के टायर शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मकसद चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपए तक की शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। चुनौती के तहत मंत्रालय जिन क्षेत्रों के स्टार्टअप को आमंत्रित करेगा उनमें लोगों के लिए शिक्षा तकनीक, कृषि तकनीक और वित्त तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स व परिवहन प्रबंधन, बुनियादी ढांचा व दूर से निगरानी, चिकित्सा देखभाल, निदान निवारण एवं मनोवैज्ञानिक देखभाल, रोजगार एवं कौशल, भाषाई उपकरण, एक प्रौद्योगिकी शामिल है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस बार खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भी भारी बढ़ोतरी की गई। सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई, यानी कि जिस सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए अब तक 7.5 लाख रुपये मिलते थे इस बार 25 लाख रुपए दिए गए। प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि को भी 3 गुना किया गया। अब तक इस अवार्ड के लिए खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए दिए जाते थे लेकिन इस राशि को 15 लाख रुपए कर दिया गया। यही नहीं, ध्यानचंद अवार्ड और लाइफटाइम द्रोणाचार्य अवार्ड की इनामी राशि में भी इजाफा किया गया। इन दोनों अवार्ड के लिए अब 5 लाख रुपये दिए जाते रहे लेकिन अब इसके लिए 15 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित की गई है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने देश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। आइए जानते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है
1949 में संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची को पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। यह सब मैदानी इलाकों के लोगों द्वारा इन जनजातीय क्षेत्रों के शोषण से सुरक्षा एवं इसके विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए भी किया गया था। यह संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलई समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आइए जानते हैं छठी अनुसूची की विशेषताएं। चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं हैं। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या इनका नाम परिवर्तित कर सकता है अथवा सीमाएं निर्धारित कर सकता है। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं। यदि परिषद को इसके पूर्व भंग नहीं किया जाता और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में भी एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। वे भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी कानून के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। अपने क्षेत्रीय न्यायालयों के अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों के पास भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है। संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्र पर लागू नहीं होते या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। राज्यपाल स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। वह आयोग की सिफारिश पर जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग कर सकता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, डेवन ब्रेवो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर डेवन ब्रेवो 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। ब्रेवो ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जोक्स के बीच CPL मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ऑलराउंडर ने मैच के चौथे ओवर में अपने बेशकीमती 500वें विकेट के लिए जोक्स के रहकिम कॉर्नवाल को आउट किया। ब्रेवो विश्व भर में लगभग सभी T20 क्रिकेट लीग में खेल चुके हैं। आज की हमारी करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। देश और दुनिया के इतिहास में घटित 30 अगस्त की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1569 में मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े पुत्र व अकबर या मुगल राजगद्दी के उत्तराधिकारी सुल्तान सलीम उर्फ जहांगीर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1574 में गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु बने। ये अकबर के समकालीन व सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इनके अनुयायियों को रामदासी कहा गया।
इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। आज ही के दिन सन 1659 में मुगल सम्राट शाहजहां व मुमताज महल के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराई के युद्ध में पराजय के बाद हत्या करवा दी। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर अकबर में किया। वह एक विद्वान राजकुमार था। हिंदू दर्शन व पुराणों का अध्ययन करने वाला वह प्रथम मुगल राजकुमार था। आज ही के दिन सन 1835 में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यार नदी के किनारे उतरने वाले यूरोपियों ने मेलबर्न शहर की स्थापना की। आज ही के दिन सन 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर और सचिव जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आज ही के दिन सन 2013 में भारत के पहले रक्षा उपग्रह GSAT-7 का प्रक्षेपण दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गयाना से किया गया। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और उन पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमें बताएं कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी, और अगर आपकी अपेक्षाएं हमसे कुछ हैं, आपकी कोई डिमांड है, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।